हेलो बच्चों, देखिए आज हम लोग क्लास 10th का बेटा ट्रायंगल चैप्टर को जो है उसके बेसिक कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको मैं क्लास 9th से आपको अच्छे से यहाँ से जो क्लास 9th में जो बेसिक अगर आप कुछ बेसिक्स वगैरह इसके भूल गए होंगे तो वहां से इसको हम लोग आज अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है ना, तो आप लोग अपनी कॉपी पेन लेकर के इसको मेरे साथ ही नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है बेटा, और अच्छे से समझते चलिए। देखिए तो आप देखिए क्लास 10th का जो हमारा चैप्टर है ट्रायंगल, तो आपने पता कि ट्रायंगल क्या होता है बेटा? देखिए, ऐसा कोई भी फिगर जो थ्री साइड से, जो थ्री साइड क्या होती है बेटा, बाउंडेड फिगर होता है ना, थ्री साइड बाउंडेड फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। देखिए नाम में लिखा हुआ है ट्राई और प्लस एंगल, यानी कि उसमें क्या होना चाहिए बेटा, उसमें थ्री एंगल और थ्री साइड होने चाहिए। तो ट्रायंगल की जो एक हमारे पास डेफिनेशन जो बनती है, बेसिक्स की डेफिनेशन, वो क्या होती है कि अ ट्रायंगल इज वन ऑफ द बेसिक शेप ऑफ ज्योमेट्री, इट हैज थ्री साइड वर्टेक्सेस। ठीक है ना, इट हैज थ्री साइड्स एंड थ्री वर्टेसेस होते हैं। ठीक है ना, तो यहां पे देखिएगा, अब आपको पता है कि आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, की जो ट्रायंगल होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले आपको पढ़ा बेटा क्या, स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल वो होता है जिसमें सभी साइड्स कैसी होती है, अनइक्वल है। सपोज ये साइड ए है बेटा, ये बी है और ये साइड क्या है, सी है, तो ऑल साइड्स आर डिफरेंट। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, ये हमारा हो जाएगा स्केलन ट्रायंगल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? स्केलन ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग पढ़ के आए थे प्रीवियस क्लास में। ठीक है बेटा, अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, अगर मैं नेक्स्ट टाइप की बात करता हूँ तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी सभी साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती है। सपोज अगर एक साइड ए है तो सेकंड साइड भी क्या होगी, ए होगी, और थर्ड साइड भी क्या होगी, ए होगी। अब अगर सभी साइड्स इक्वल हैं तो इक्विलेटर के जो एंगल होंगे वो भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज, तो ये हमारा इक्विलेटर का एग्जांपल हो गया। अगर सभी साइड्स ए हैं और आपको पता है कि इक्विलेटर जो ट्रायंगल होता है उसके एंगल कितने डिग्री होते हैं बेटा, 60 60 होते हैं। क्यों होते हैं 60? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से मुझे पता है कि ट्रायंगल जो होते हैं उसके तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180। ठीक है, तो उसको थ्री इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्या बेटा, कि देखिए यहाँ पे कि अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है हमारे पास क्या, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। कि आइसोस्केलेस ट्रायंगल क्या होता है, देखिए जब भी किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई भी दो साइड आपस में इक्वल हो जाती है, ठीक है ना, व्हेन टू साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है ना, व्हेन कोई भी जब दो साइड इक्वल होंगी तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। उसे क्या बोलते हैं, आइसोस्केलेस ट्रायंगल होगा। और आइसोस्केलेस ट्रायंगल में आप याद रखेंगे क्या बेटा, कि अगर ये साइड इसके इक्वल है तो इनके जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। सपोज ये साइड ए है स्मॉल ए, तो ये भी कितनी हो गई, स्मॉल ए, तो अगर ये एंगल एक्स डिग्री है तो ये भी कितना हो गया, एक्स डिग्री हो गया। ठीक है, इसी तरीके से ध्यान रखेंगे इसमें। ठीक, अब देखिए प्रीवियस क्लास में आपने जो चैप्टर था हमारे पास क्लास 9th में वो क्या था, वो था बेटा कॉन्ग्रेंसी, की कॉन्ग्रेंसी क्या होती है। अब लोग क्लास 10th में आ गए हैं, तो क्लास 10th में इस बार आपके बोर्ड के एग्जाम में सिर्फ सिमिलरिटी और थेल्स थ्योरम ही पूछी जाएगी। ठीक है, तो देखिए सिमिलरिटी को पढ़ने से पहले थोड़ा हम कॉन्ग्रेंसी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए आपके पास पता है क्या बेटा, कि इफ टू ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज, यानी उनका जो साइज और शेप है वो कैसा होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए, मतलब एक जैसा होना चाहिए। दिखने में वो कैसे होने चाहिए, बिल्कुल डिक्टो कॉपी होने चाहिए। ठीक है ना, तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल पढ़ते हैं। ठीक है ना बेटा, ये चीज कॉन्ग्रेंसी के आपको रूल्स ही पता थे जो आपने पढ़े थे, जो फिर ट्रिपल एस हो गया, एस एस हो गया, ए एस हो गया, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो बेसिकली हमें पढ़ना है क्या, सिमिलरिटी, कि सिमिलरिटी क्या होता है। देखिए तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो शेप है वो कैसा है, सेम है, और साइज भी कैसा है, सेम है, तो ये कहलाया क्या, कॉन्ग्रेंसी। बट सिमिलरिटी में ऐसा नहीं होता है। सिमिलरिटी में क्या होता है बेटा, देखो सिमिलरिटी में ये हो जाएगा कि जो भी शेप होगा अपने पास, ठीक है ना, जो भी ट्रायंगल का जो शेप होगा वो कैसा होगा, उसका जो साइज होगा वो कैसा होगा, वो डिफरेंट होगा, पर वो देखने में कैसा होगा, एक जैसा दिखाई देगा। ठीक है ना, यही चीज यहाँ पे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमिलरिटी बोलते हैं। यहाँ देखिए जो हमारा स्टार पॉइंट, जो हैशटैग पॉइंट है, वो क्या है कि ऑल कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रेंट। मतलब ये हुआ कि जितने भी कॉन्ग्रेंट फिगर होते हैं वो आपके सिमिलर तो हो सकते हैं, बट सभी सिमिलर फिगर जो हैं वो आपके कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकते। ये आपके एमसीक्यूज में कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, ये चीज, ये जो लाइन है मैंने आपको लिखी थी उसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब लोग डिस्कस करते हैं कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। बेसिकली अब यहाँ से हमारा चैप्टर क्या होता है बेटा, वो क्लास 10th का स्टार्ट होता है कि देखिए सिमिलरिटी क्या होती है किसी ट्रायंगल की। ठीक है ना, तो सिमिलरिटी अगर मैं बात करूँ तो सिमिलरिटी क्या है बेटा, कि इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन, फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा,
देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखिए बहुत से बच्चे क्या करते हैं बेटा कि करस्पॉन्डिंग जो वर्ड है इसको वो नहीं लिखते या इसको वो भूल जाते हैं, ठीक है ना। ये जो करस्पॉन्डिंग वर्ड है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे पास, ठीक है। देखिए सिमिलरिटी में आपको यही याद रखना क्या कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो रहे हैं तो उसके लिए फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, मतलब ये उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड होंगी उनका जो रेशियो होगा वो आपस में कैसा होगा, इक्वल होगा, ठीक है। और जो उनकी जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अगर कोई भी ट्रायंगल इन दोनों ही कंडीशंस को फॉलो कर रहा है या इसमें दोनों कंडीशन ये अप्लाई हो रही है बेटा, तो आप समझ जाइए वो ट्रायंगल कैसे हैं, आपस में सिमिलर हैं, ठीक है ना। ये चीज जैसे थोड़ा इसका एग्जांपल से अच्छे से देखेंगे इसको एक बार। देखिए जैसे क्या है कि ये एक ट्रायंगल मैंने बनाया हुआ है आपके पास, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से मुझे क्या यहाँ पे नोट डाउन करना चाहिए, देखिए सपोज ये साइड आपके पास है स्मॉल ए, ये साइड है स्मॉल बी और ये साइड है स्मॉल सी, ठीक है बेटा। ये चीज तो अब इनका जो रेशियो है वो आपस में कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो देखिए यानी अगर मैं मान लेता हूँ कि ये हमारी ई साइड है, इसको मैंने एफ ले लिया और ये जी साइड हो गई, ठीक है ना। ये चीज अब इनके जो एंगल है, देखिए अगर ये एंगल अल्फा है बेटा तो ये एंगल भी कितना होगा, अल्फा होगा, और ये एंगल बीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, बीटा होगा, और अगर ये एंगल गामा है तो ये एंगल भी कितना होगा, गामा होगा। तो जब इस तरह की कंडीशन बन जाएगी हमारे पास, इस तरह की कंडीशन बन जाएगी तो हम कहेंगे क्या कि ये जो ट्रायंगल है बेटा ये कैसे है, आपस में सिमिलर है, ठीक है। अब देखिए इसको जो हम लोग जब इसको कॉपी में नोट डाउन करेंगे तो इसको लिखेंगे कैसे, एक्सप्लेन कैसे करेंगे, जरा इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए जैसे कैसे फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से देखिए क्या होंगे, देयर करस्पॉन्डिंग रेशियो आर इक्वल, तो कैसे लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग रेशियो कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये मैंने इस तरीके से यहां पर लिख दिया है, ठीक है। सेकेंड कंडीशन में क्या होना चाहिए कि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो एंगल बी जो है बेटा वो एंगल क्यू के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, और एंगल ए जो है वो क्या होना चाहिए, वो एंगल पी के इक्वल होना चाहिए। इसी तरीके से एंगल सी जो है वो एंगल आर के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए दोनों ही कंडीशन आपके पास आ चुकी हैं, ये दोनों कंडीशंस। अब जब ये कंडीशंस आ चुकी हैं तो यानी ये हमारा ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए, ठीक है। देखिए इसको और थोड़ा सा एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए क्या, देखिए सपोज ये ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी है और ये पी क्यू, देखिए दोनों का साइज कैसा है, छोटा बड़ा है, साइज कैसे है, डिफरेंट है, पर देखने में कैसे है, ये सेम है, कैसे है, ये सेम है, ठीक है बेटा। ये चीज तो आप क्या लिखेंगे, देखिए दिस, ये जो साइड है इसका रेशियो इस साइड के इक्वल होगा, इस साइड का रेशियो इसके साथ, इसका रेशियो इसके साथ और इसका रेशियो इसके साथ आप ले लेंगे, ठीक है, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज तो अब इसके बाद मैं इसको लिख सकता हूं बेटा क्या कि देन ट्रायंगल ए बी सी is similar triangle PQR, ये चीज, ये बेटा, ठीक है, ये PQR के क्या हो गया, सिमिलर हो गया, ठीक है। तो भैया आपने देखिए आप क्या लिखा, आपने देखिए ध्यान से कि AB के साथ किसको लिखा है, PQ को लिखा है, और BC के साथ किसको लिखा है, QR को लिखा है, और AC यानी कि CA के साथ किसको लिखा है बेटा, PR को लिखा हुआ, ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को। अब देखिए जैसे आपने कांग्रेसी जब पढ़ी तो आपने क्या देखा बेटा कि कांग्रेसी के कुछ क्राइटेरिया फिक्स थे हमारे पास, ठीक है ना, कि अगर ये क्राइटेरिया होंगे तभी क्या होगा, वो कांग्रेंट होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से कुछ सिमिलरिटी के क्राइटेरिया भी फिक्स हैं। तो देखिए सबसे पहला जो सिमिलरिटी का जो क्राइटेरिया है वो आपके पास क्या है बेटा, कि अगर किसी भी ट्रायंगल्स के जो थ्री एंगल है वो आपस में इक्वल हो रहे हैं तो इसको बोलेंगे एंगल एंगल एंगल, तो यानी वो कैसे ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। हालांकि इसको देखिए अगर किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल भी आपको इक्वल मिल जाते हैं, यानी कि बाई डबल ए यानी कि एंगल और एंगल, ठीक है, तो भी आप ये कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल है बेटा वो कैसा हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। क्योंकि तो देखिए अगर किसी भी ट्रायंगल दो ट्रायंगल के अगर कोई भी टू एंगल्स इक्वल हो रहे तो थर्ड क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा वो, ठीक है। ये चीज तो ये आपका फर्स्ट क्राइटेरिया हो गया, इसको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। सेकेंड जो क्राइटेरिया है वो क्या है, ट्रिपल एस, ट्रिपल एस का मतलब हुआ साइड साइड साइड, ठीक है ना। ये चीज अगर किसी भी ट्रायंगल की जो तीनों साइड है वो किसी दूसरे ट्रायंगल की साइड के क्या जाती है, इक्वल हो जाती है, तो इसको भी आप कह सकते हैं क्या बेटा, वो हमारा क्राइटेरिया बन जाएगा सिमिलरिटी का, ठीक है। अब बात करते हैं एस ए एस की, तो एस ए एस मतलब क्या हुआ, साइड
एंगल साइड, यानी अगर ये क्राइटेरिया भी हमको मिल जाता है तो मैं कह सकता हूँ कि जो ट्रायंगल होंगे वो आपस में कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और इसको अच्छे से देख लेते हैं बेटा कि ऐसा क्यों होता है, उसका एक रीजन देखिए यहाँ पे। देखिए जैसे सपोज मैंने आपसे कहा कि बेटा एक आप क्या करिए, आप एक एंगल ड्रॉ करिए 60 डिग्री का। तो आपने क्या किया कि आपने इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है ना, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करी बेटा ये, और आपने क्या किया इस तरीके से जब लाइन ड्रॉ करिए उसके बाद आपने क्या किया यहाँ से यूं एक आर्क लगाया, और जब आप फर्स्ट आर्क ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये एंगल कितना डिग्री बनता है, 60 डिग्री। अब ये एंगल देखिए, अब ये देखिए, अब जैसे सपोज मैंने एक और बनाया यहाँ पर ऐसे, ये देखिए जैसे यहाँ देखिए, जैसे ये मैंने एक और बनाया यहाँ से, यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ मैंने बहुत ही छोटा आर्क लगाया इस तरीके से ये, तो ये भी एंगल कितने डिग्री हुआ, 60 डिग्री हुआ। तो मतलब एंगल 60 डिग्री ही है, बट क्या हो रहा है उसका जो साइज है वो कैसा हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। तो बस यही हो जाती है क्या, सिमिलरिटी हो जाती है, मतलब आइडेंटिकल होने चाहिए, ठीक है ना। तो आइडेंटिकल को प्रूफ करने के लिए हमने ये जो कंडीशंस हैं इनको यहाँ पर अच्छे से कवर करना है। ठीक है बेटा, क्या चीज़ है देखिए फिर से, डबल ए, ठीक है ना, या ट्रिपल ए, ट्रिपल एस या एस ए एस, ठीक है। अब देखिए बेटा, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्या कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यानी कि थेज थ्योरम क्या होती है, ठीक है ना। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 10th के लिए, इसको प्रूव करना सीखेंगे कि इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए थेज थ्योरम क्या होती है बेटा, कि देखिए थेज थ्योरम होती है बेटा कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो इज नोन एज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थेल्स थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। देखिए बेसिकली इसको मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ अच्छे से, इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा, इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर ये हमारे पास एक ट्रैंगल है बेटा, ठीक है ना, ये एक ट्रैंगल है हमारे पास, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि इस साइड के पैरेलल ये यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, जो कि ए बी को डी पॉइंट पर और ए सी को ई पॉइंट पर कट या टच कर रही है, ठीक है। तो अब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो अकॉर्डिंग टू थेल्स देखिए AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, यानी इनका जो साइड का जहां पे डिस्टिंक्ट पॉइंट पे टच किया है, ठीक है ना बेटा, इनका जो रेशियो होगा वो कैसा होगा, वो आपस में इक्वल होगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग प्रूफ करेंगे और बहुत ही यूनिक मेथड से प्रूफ करेंगे, यानी कि सिमिलरिटी का यूज करते हुए इसको प्रूफ करेंगे, कंस्ट्रक्शन का यहां पर नहीं कराऊंगा मैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप ये देखिए कि मुझे क्या प्रूफ करना है यहाँ पे, ठीक है ना, जरा इसको नोट डाउन करते हैं। देखिए थेल्स ने बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरम बताई है, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए प्रूफ दैट में मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ बेटा कि मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। तो मुझे ये प्रूफ करना है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो ये कैसे इसको प्रूफ करेंगे यहाँ पे, चलिए देखते हैं इसको, ठीक है। देखिए तो प्रूफ देखते हैं बेटा ऐसा कैसे इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। आप क्या करिए देखिए, सबसे अच्छा इसका जो मेथड है, सबसे जो इजी मेथड है वो क्या है बेटा, कि आप ट्रायंगल ABC को ट्रायंगल ADE के सिमिलर प्रूफ कर दीजिए, ठीक है, और फिर हम इसमें सिमिलरिटी यानी कि उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, उसका यूज कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे कर सकते हैं इसको, देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैं इसमें जो बेटा इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE को लिख लेता हूं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, आपको पता है क्या कि देखिए ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये कैसा एंगल हो गया बेटा, आपके करस्पॉन्डिंग एंगल हो, कैसे हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, और ये एंगल भी कैसे हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, एक ही तरफ बने वाले एंगल क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, तो क्या इसका मतलब ये हुआ बेटा कि मैं लिख सकता हूँ कि एंगल ADE इक्वल टू एंगल ABC, और रीजन क्या लिखेंगे, ये कैसे एंगल है बेटा, ये आपके हैं करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है, ये आपके कैसे एंगल हो गए, करस्पॉन्डिंग हो गए। इसी तरीके से इसमें कैसे लिखेंगे कि AED इज इक्वल टू एंगल ACB, तो ये भी कैसे हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए आपके, ठीक है, ये चीज। अब आप एक चीज देखो जरा, एंगल ए तो कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, तो आप क्या लिखोगे कि एंगल ए इज कॉमन, ठीक है ना,
एंगल ए इज कॉमन एंगल, ठीक है, ये एंगल ए क्या हो जाएगा, कॉमन एंगल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जब एंगल ए कॉमन हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, तो अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है, सिमिलर हो गए। अब जब ये सिमिलर होंगे तो इनके जो साइड का जो रेशियो होगा कैसा होगा, वो इक्वल होगा, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो आर इक्वल, तो इसका यूज कर लेते हैं बेटा, देखिए। और ये देखिए, अब ये सिमिलर भी किस चीज से हुए, ये हुए हैं आपके पास कौन सा रूल लगा है, बाई ट्रिपल ए रूल। तो ट्रिपल ए से कैसे होगा, ये सिमिलर होगा, ठीक है। तो इनके साइड का रेशियो कैसे लिखेंगे कि ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू बी सी अपॉन DE इज इक्वल टू सी ए अपॉन AE, ठीक है, ये चीज इस तरीके से। अब देखिए जो मुझे प्रूफ करना था बेटा, इस पे ध्यान देंगे, हमें AD अपॉन DB और AE अपॉन EC चाहिए, ये देखिए ये तो चाहिए हमें। अब हम सिर्फ इसको लेंगे, यानी देखिए AD अपॉन DB, यानी कहाँ, ये रहा बेटा आपका AD अपॉन DB, यहाँ से मिलेगा, ठीक है ना। और यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, AE अपॉन EC चाहिए ना, AE अपॉन EC, AE अपॉन EC, यानी ये रहा ये, ठीक, या तो मैं इन दोनों का यूज करूंगा, देखिए कैसे। अब आप देखिए, तो जब ए बी है, ए बी, तो आप यहां देखिए बेटा, ए बी देखिए आपकी दो पार्ट में डिवाइड है, ए बी को आप क्या लिख सकते हैं, ए डी प्लस डी बी, और इसी तरीके से ए सी क्या लिख सकते हैं, ए ई प्लस ई सी। तो इसको ऐसे लिख दीजिए, देखिए ये आपका हो जाएगा ए डी प्लस डी बी अपॉन ए डी इक्वल टू, ऐसे देखिए जो बी सी साइड है, बी सी साइड, इसको मैं क्या ए सी को लिख सकता हूँ बेटा, ए ई अपॉन ए ई प्लस ई सी, हमने ए सी को कवर कर दिया, ठीक है, अपॉन में क्या लिखा रहेगा, ए ई। अब देखिए इसके बाद ही जो इंपॉर्टेंट स्टेप होंगे, ठीक है बेटा, वो क्या होंगे, देखिए आपको पता है जब इसको आप अलग अलग यहाँ पे क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे इनको, इनको हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं कि ए डी अपॉन डी बी और डी बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए प्लस ई सी अपॉन ए ई। तो आप देखिए ए ई से ए ई कैंसिल हो गया, ए डी से ए डी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बच रहा है, हमारे पास बच रहा है बेटा सिर्फ और सिर्फ डी बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए ई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वन बचेगा, यहाँ भी वन बचेगा, ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या बचा वन, और यहाँ भी क्या हुआ बेटा वन, तो ये वन से वन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, तो अब देखिए मुझे क्या प्रूफ करना था, फिर से एक बार देखते हैं, ए डी अपॉन डी बी, तो देखिए आ चुका है भाई। अब दोनों तरफ क्या करिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए दोनों को, जब आप रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बोलिए ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए ई, ठीक है, ये चीज, ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है, ये चीज अपॉन, ठीक है। तो ये आपका ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। तो यही तो मुझे प्रूव करना था, यही तो थेल्स थ्योरम है, ठीक है। तो देखिए हमने प्रूव कर दिया है, ए ई अपॉन ई सी, ठीक है बेटा। तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये जो मेथड है ये कैसा मेथड लगा, ठीक है ना, ये चीज। ठीक है बच्चों, तो देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या किया बेटा, थेल्स तक कवर कर लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा कि जो थेल्स थ्योरम के बाद जो हमारे कुछ दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है, जिससे आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन बनते हैं, उसको हम लोग अच्छे से यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। देखिए तो थेल्स आपने अभी देखा, ये थेल्स था बेटा हमारे पास, ठीक है। अब थेल्स के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक को कवर करते हैं। देखिए टॉपिक क्या है बेटा, देखिए टॉपिक ये है हमारे पास, देखिए रेशियो ऑफ द एरिया व्हेन टू ट्रायंगल आर सिमिलर, ठीक है ना, कि देखिए अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का रेशियो क्या होता है, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो उसमें आपने देखा होगा इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से। देखिए सपोज बेटा, देखिए यहाँ पर ये हमारे पास ट्रायंगल है ए बी और सी, जो कि सिमिलर हो रहा है ट्रायंगल पी क्यू आर के, सिमिलर हो रहा है, ठीक है। तो देखिए तो मैं क्या लिखूंगा कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। तो देखिए इसका जो सिंपल सा रूल होता है वो क्या होता है बेटा, देखिए अगर हमारे पास जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है तो मैं क्या लिखूंगा कि ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, ठीक है।
तो देखिए सिंपल सा रूल क्या हो गया बेटा, सिंपल सा रूल ये हो गया हमारे पास कि अगर आपसे कोई पूछा कि दो ट्रायंगल आपस में कैसे हैं, सिमिलर है, तो उनके एरिया जो होंगे ठीक है ना, उनके एरिया का रेशियो क्या होगा, तो आप कह देंगे कि जो उनके जो एरिया का रेशियो होगा वो उनकी साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। ये चीज क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब देखिए इसका छोटा सा एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के। जैसे सपोज देखिए, जैसे यही क्वेश्चन है हमारे पास, हमने क्या किया कि हमने इस क्वेश्चन में आपसे बोल दिया कि जो ए बी साइड है, ए बी साइड ठीक है ना, ये 4 सेंटीमीटर है, कितनी है बेटा ये 4 सेंटीमीटर है ए बी साइड ठीक है। और इसके बाद आप देखिए पी क्यू जो साइड है, पी क्यू साइड कितनी होगी बेटा, ये आपकी हो गई ये 3 सेंटीमीटर, कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा कि इनके एरिया का रेशियो क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल है, आप क्या करेंगे देखिए, मुझे पता है कि मैं डिक्टो इसको ऐसे लिखूंगा ठीक है ना, और देखिए ए बी का कितनी वैल्यू है, 4 है ए बी की वैल्यू, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पे पी क्यू कितना है 3 है, तो देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, बस सिंपल हमारा आंसर आ गया ठीक है। इसका मतलब आप यहाँ से लिख सकते थे क्या बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इनका जो रेशियो आगे जाएगा हमारे पास वो कितना जाएगा 16:9, या इसको आप लिख सकते हैं क्या बेटा 16:9 ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है ठीक है। अब देखिए ये मैंने एरिया पढ़ लिया है कि अगर ट्रायंगल सिमिलर तो एरिया क्या होगा, अब इस ठीक इसी तरीके से हम लोग देखेंगे कि अगर सपोज मुझसे पूछ दे पेरीमीटर क्या हो सकता है, तो देखिए पेरीमीटर के लिए भी मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया हुआ है क्या, देखिए अगर मुझे बताना है कि पेरीमीटर क्या होगा, रेशियो ऑफ पेरीमीटर इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, अगर ट्रायंगल सिमिलर तो उनका पेरीमीटर क्या हो सकता है, देखिए तो ये ट्रायंगल आपके पास हो गया ए बी सी, ये कैसे है सिमिलर है, तो देखिए अगर ये ट्रायंगल आपके पास सिमिलर है बेटा तो इनका जो पेरीमीटर का जो रेशियो होगा, याद रखिए इनका जो पेरीमीटर का रेशियो होता है वो इनकी साइड के रेशियो के इक्वल होता है ठीक है, यानी ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये देखिए बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। तो देखिए अब कंफ्यूजन नहीं होना है यहाँ पे, कंफ्यूजन ध्यान रखने कि आपको याद कर रखना है, आपको अच्छे से याद रखना है कि अगर एरिया पूछा गया तो साइड का स्क्वायर कर लीजिए रेशियो मिल जाएगा, अगर आपसे पेरीमीटर पूछा गया तो सेम डिप्टो वही जो आपको जो साइड का रेशियो दिया गया वही आपको सीधा ऑप्शन में टिक कर देना है, यहाँ ये हमारा ऑप्शन ठीक है। अब देखिए इसमें छोटा सा एग्जाम्पल, मैं इसी ट्रायंगल में एग्जाम्पल ले लेता हूँ ठीक है। जैसे मैंने आपसे बोला कि ये बेटा है 2 सेंटीमीटर ठीक है, और ये है बेटा आपके पास सपोज 1 सेंटीमीटर, एक सेकेंड देखिए ये कितना है बेटा आपके पास, ये आपके पास है 1 सेंटीमीटर ये ठीक है ना, यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा गया इनका पेरीमीटर का इनका क्या होगा बेटा रेशियो, देखिए बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सा लिखना है क्या ए बी अपॉन पी क्यू, तो देखिए रेशियो कितना हुआ 2:1, क्योंकि यहाँ पे देखिए इनकी जो साइड थी, साइड कितनी थी 2:1, तो बस वही सेम रेशियो हो जाएगा हमारे पास ठीक है। तो इनका जो रेशियो आ जाएगा वो कितना जाएगा 2:1 ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा अब चलते हैं हमारे, देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास एक नोट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि आप देखेंगे तो आपको सैंपल पर भी एक क्वेश्चन मिल जाएगा, जो लास्ट ईयर का जो सैंपल पेपर था कि बोर्ड से रिलीज हुआ था उसमें एक क्वेश्चन था आपके पास, देखिए इसकी एक शॉर्ट ट्रिक मैंने यहाँ पे डेवलप की, क्योंकि देखिए एमसीक्यू में आता है तो बस हमें क्या मिलेगा जल्दी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, और कॉन्सेप्चुअल क्या है वही मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है। देखिए आप एक चीज देखिए, नोट पॉइंट क्या है बेटा, देखिए कि अगर इस तरीके का आपको कोई भी ट्रायंगल आपको बना के दिया गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल, कि ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी रखे हैं बेटा राइट एंगल एट ए, ए पर कैसा है राइट एंगल है ठीक है। अब जब ए पर ये राइट एंगल होगा तो आप एक चीज देखिए, यहाँ से क्या हुआ है कि ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है साइड बी सी पर, ड्रॉ किया गया नहीं किया गया, तो देखिए जरा मैंने क्या किया कि मैंने इस वाले एंगल को थीटा लेट किया, तो आपको पता अगर मैं इस कंप्लीट ट्रायंगल ए बी सी में इसको थीटा लेट कर रहा हूँ तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब ठीक इसी तरीके से जरा इस पर देखिए, थोड़ा ध्यान से ट्रायंगल ए डी बी पर देखिएगा, ये एंगल कितनी डिग्री है 90 डिग्री है, ये एंगल कितना है थीटा है, तो बेटा ये भी कितना हो गया 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ पूरा, देखिए अगर आप ए बी सी को सिमिलरिटी प्रूफ करना चाहते हैं किससे ए डी सी से, तो देखिए ये थीटा क्या हो जाएगा कॉमन एंगल हो जाएगा कॉमन एंगल, और ये देखिए इस पूरे कंप्लीट एंगल में ये 90 था बेटा, था कि नहीं था, और ये एंगल भी कितना हो जाएगा 90, तो ये सिमिलर हो गया बाई डबल ए, मैंने आपको सिमिलरिटी रूल बताया अभी कि डबल ए सिमिलरिटी रूल को आप यूज कर सकते हैं, सबसे ज्यादा यूज इसी का करते हैं वो डबल ए का है ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो रिजल्ट क्या निकल के आया बेटा, रिजल्ट निकल के ये आया कि ए बी सी भी किसके सिमिलर होगा ए सी डी के होगा, और ए बी सी किसके होगा बेटा ए डी बी के भी होगा,
तो बाय इक्वेशन वन एंड टू मैं ये कह सकता हूं कि जो तीन ट्रेंगल आपके पास यहां पर बन रहे हैं, थ्री ट्रेंगल ए बी सी ए डी बी ए डी सी, या तीनों ही आपस में कैसे हो जाएंगे बेटा, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलर हो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट जो आपके पास जो यहाँ जो पॉइंट बनता है, आप जरा उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, अगर इसी फिगर में आपसे पूछ दे कि ए बी की वैल्यू क्या होगी, ए सी की वैल्यू क्या होगी, ए डी की वैल्यू क्या होगी, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, थोड़ा सा देखिएगा इसको। अगर आपसे पूछा है ए बी की वैल्यू क्या होगी, आप याद रखिए, देखिए ए बी जो स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर की ए बी स्क्वायर, आप क्या करिए यहाँ से देखिए बी डी, इससे जुड़ी जो ये जो लाइन है बी डी, आप इसको ले लीजिए और उसके बाद कंप्लीट ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिए। ठीक है, तो देखिए तो मैंने कैसे लिखा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बी डी इंटू, और जो कंप्लीट साइड क्या है बेटा बी सी, तो ये हमारा कंप्लीट तैयार हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखिए ए सी, एक मुझे ए सी निकालना, तो मैं देखिए ए सी से जुड़ी हुई साइड जो होगी छोटी साइड ये होगी, ये देखिए ये जुड़ी हुई है, यहाँ से कितनी लगी हुई बेटा सी डी, तो क्या लिखेंगे सी डी इंटू सी बी, कंप्लीट साइड लेंगे। ठीक है, अब अगर मुझसे पूछा गया ए डी बताइए कि ए डी क्या होगा, तो देखिए ए डी मुझे निकालना, तो मैं ये देखूंगा ए डी जो साइड है ये कहाँ पर, किस पर परपेंडिकुलर है, ये बी सी पर परपेंडिकुलर है, तो आप बी सी पे जिसपे दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं इन दोनों का मल्टीपल लेंगे, यानी कि सी डी, ठीक है, सी डी इंटू डी बी, ये आपके तीनों इंपॉर्टेंट केस जो थे वो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिए। ठीक है, आप देख सकते हैं आपके बुक में क्वेश्चंस भी होंगे इसके। ठीक है, तो आप अगर इस फॉर्मूले से या इस ट्रिक से इसको यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब मैंने थेल्स पढ़ लिया है, इसके जितना भी बेसिक स्ट्रक्चर वो मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब देखिए इसमें कन्वर्ज ऑफ थेल्स है, ठीक है, जो कि बहुत कम एग्जाम में आते हैं, लेकिन उसको भी हम लोग लास्ट में कवर कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए अब थेल्स का एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है हमारे पास, इसको यहाँ पे देख लेते हैं बेटा। ठीक है ना, ये चीज कैसे होगा, देखिए थेल्स का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। देखिए आपसे बोला गया है कि ट्रेंगल ए बी सी, ठीक है ना, ट्रेंगल ए बी सी है, और जो डी ई साइड है बेटा ये किसके पैरेलल है, ये बी सी साइड के पैरेलल आपको दी गई है, और आपसे यहाँ पे बोला गया है कि फाइंड द साइड ऑफ ए डी, तो ए डी की वैल्यू क्या होगी, फाइंड द साइड ऑफ ए डी, ए डी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखिए अब जब आपने क्या बताया था बेटा कि अगर ये साइड इस साइड के पैरेलल है, तो यहाँ पर हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, थेल्स थ्योरम, या जिसको आप बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, चलिए देखिए यूज करते हैं इसका। तो आप यहाँ पर बेटा कैसे लिखेंगे कि डीई पैरेलल बी सी, तो जो जो डीई है ये बी सी की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो देखिए जब ये लाइन इसके पैरेलल हो तो थेल्स का यूज करेंगे। देखिए थेल्स ने क्या बताया था बेटा कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी, यानी इनका जो रेशियो होगा जहां पे जिस पॉइंट पे टच करेंगे ये लाइन, ठीक है ना, उनका रेशियो कैसा होगा, इक्वल होगा। चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वैल्यू पुट कर देते हैं ए डी, देखिए डी बी की वैल्यू कितनी है 7.2, और ए ई की वैल्यू कितनी है 1.8, और ई सी की वैल्यू कितनी है बेटा 5.4। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए देखिए अब देखिए ये पॉइंट से पॉइंट रिमूव हो जाएगा, ठीक है, इसको कैंसिल कर देंगे, 18 वन 18 और ये 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए डी की वैल्यू आएगी बेटा वो कितनी आएगी 7.2/3, इसको भी कैंसिल कर दीजिए, तो ये ए डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ से, देखिए कैंसिल करेगा तो 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है ना, और तो ए डी हमारा कितना आ गया 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा एक क्वेश्चन हमारे पास था थेल्स का। ठीक है, अब इसी तरीके से एक और क्वेश्चन हमारे पास, देखिए यहाँ पे उसको मैं अलग से कराता हूँ, आपको ध्यान से देखिए थोड़ा सा। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे ये बोला गया है कि सपोज ये देखिए ये हमारे पास एक यहाँ पे टावर है बेटा, ठीक है ना, ये या इसको आप कह सकते हैं एक लैम्प पोस्ट है, लैम्प पोस्ट मतलब जिस पे ऊपर से लाइट लगी होती है, ठीक है ना, लैम्प पोस्ट है। अब देखिए लैम्प पोस्ट के जस्ट पास में यहाँ पे एक छोटी सी, कोई भी गर्ल या बॉय आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, कुछ भी ले लीजिए कंसिडर यहाँ पे, जो कि यहाँ पे इस लैम्प पोस्ट के पास खड़ा हुआ है, ठीक है ना, और उस लैम्प पोस्ट को देख रहा है ये, ठीक है, ये चीज। अब देखिए ये इस तरीके से मैंने इसको बनाया हुआ है, क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में है, आप चाहे तो उसे देख भी सकते हैं, एनसीईआरटी बुक लेके बैठिएगा अपनी, ठीक है, ये चीज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताया गया आपसे, देखिए आपसे कहा गया है कि देखिए थोड़ा सा ध्यान पर समझिए, आपसे कहा कि ये एक लैम्प पोस्ट है बेटा, ये एक लैम्प पोस्ट है, इस लैम्प पोस्ट के पास यहाँ पर कौन है, ये एक गर्ल जो कि यहाँ पे खड़ी हुई है, किधर देख रही है, लैम्प पोस्ट की तरफ देख रही है। अब आप सोचिए ना, जब ये लैम्प पोस्ट है यहाँ पे लाइट लगी होगी और ये गर्ल है बेटा, तो इसकी जो गर्ल की जो शेडो बनेगी, वो शेडो कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, इस तरीके से बनेगी शेडो की नहीं बनेगी यहाँ पे, तो बस आपसे वो यही पूछ लेते हैं क्या कि इसकी जो शेडो होगी यहाँ पे वो शेडो कितनी बनेगी। देखिए तो
अब इसमें कुछ यहाँ पे भी कुछ वैल्यू लेता हूँ। सपोज आपसे कहा गया कि लैंप पोस्ट है ये बेटा जो है ये 4 सेंटीमीटर का है, कितना ही सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर का है, ठीक है ये चीज़, ठीक है सेंटीमीटर नहीं लेते मीटर ले लेते, वरना जो गर्ल की हाइट है बहुत छोटी हो जाएगी, ठीक है अच्छा नहीं लगेगा। देखिए 4 मीटर ले लेते हैं, ठीक है ना 4 मीटर यहाँ, ठीक है ये चीज़। और इसके बाद मैं लेता हूँ कि गर्ल जो है बेटा वो कितने मीटर की है, वो 2 मीटर की है, उसकी जो मतलब जो हाइट बन रही है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ध्यान से आपसे कहा गया कि वो जो है वो इस टावर से कितनी डिस्टेंस पर है, उसने कहा कि टावर से बेटा वो 6 मीटर की डिस्टेंस पर यहाँ पर है, ठीक है। तो जब ये टावर से इसकी जो शेडो होगी वो शेडो कितनी बनेगी, तो मैं मान लेता हूँ शेडो कितनी बनेगी, एक्स बनेगी, ठीक है ना, यहाँ पर मैंने मान लो कितनी। अब देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का है, नहीं बेटा ये क्वेश्चन जो है ये आपका ट्राइंगल चैप्टर का ही है, हाइट एंड डिस्टेंस का नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है। देखिए अब इसको कैसे कर सकते थे, देखिए थोड़ा ध्यान से सपोज देखिए आपको पता है अब ये टावर है तो ये 90 डिग्री के एंगल पर ही होगा, होगा कि नहीं होगा। अब जो गर्ल है हम ये भी मान लेते हैं बिल्कुल सीधी खड़ी है बेटा, तो ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है 90 डिग्री हो गया। तो आप एक चीज देखिए यहाँ पे ध्यान से, क्या जब मैंने क्या किया, मैंने इसको कंसिडर कर लेता हूँ कि ये हमारा ए बी सी और डी ई पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए बहुत ही सिंपल है, आपने अभी सिमिलरिटी आप पढ़ कर आए क्या, कि देखिए एंगल सॉरी ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ई डी ये चीज, तो अगर मैं इनको सिमिलर प्रूफ कर दूं मेरा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, हो गया कि नहीं हो गया। देखिए कैसे, देखिए आप यहाँ पे क्या लिखिए बेटा कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी डी ई, ठीक है ना ट्रायंगल बी डी ई, ठीक है। देखिए तो बी डी ई को मैं क्या करूंगा सिमिलर प्रूफ कर दूंगा, ठीक है बी डी ई को। अब सिमिलरिटी का रूल तो अभी आपको पता ही, कैसे प्रूफ करते, देखिए यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दे, देखिए बेटा एंगल बी क्या है दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, ये 90 तो ये 90, तो बाई डबल ए सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया सॉल्व, चलिए देखिए सॉल्व हो गया ये। तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा कि एंगल बी इज कॉमन एंगल, एंगल बी इज अ कॉमन एंगल, ठीक है। इसके बाद आप क्या लिखोगे कि एंगल ई डी बी इक्वल टू एंगल सी ए बी इक्वल टू 90 डिग्री, जो कि आपको गिवन है, ठीक है ये चीज। तो बस खत्म हो गया क्वेश्चन, क्या लिखेंगे बाई डबल ए रूल आप लिख लेंगे, ठीक है बाई डबल ए कैसे हो गया सिमिलर हो गया। तो मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्रायंगल बी डी ई, ठीक है बी डी के सिमिलर हो गया ये। और जब ये सिमिलर हो गया तो बस यहाँ पे रूल अप्लाई कर देते, देखिए अब आपको देखना है बेटा क्या, देखो यहाँ थोड़ा सा एक मिस्टेक हो जाती है, मिस्टेक ये कि देखिए अब आप देखिए इस जो बड़े वाला जो ट्रायंगल है ये बिग ट्रायंगल, इसकी साइड क्या है ए सी, छोटा जो ट्रायंगल इसकी साइड क्या है ई डी। तो यहाँ देखिए फुल लेंथ यहाँ से लेंगे, फुल लेंथ कितनी हो जाएगी 6 + x, और छोटी लेंथ कितनी हो जाएगी x हो जाएगी, बस क्वेश्चन खत्म। चलिए देखिए तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ से कि ए सी अपॉन ई डी, ए सी अपॉन ई डी इक्वल टू फुल लेंथ क्या लेंगे हम लोग ए बी अपॉन बी डी, ठीक है। चलिए तो ए सी कितना था मेरे पास जल्दी से बताइए, ए सी बेटा है 4, ए डी कितना है अपने पास, देखिए तो 4/2 इक्वल टू ए बी कितना हो जाएगा, ए बी फुल लेंथ लेंगे यहाँ से यहाँ तक 6 + x, 6 + x, और बी डी मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है इसको फाइंड आउट करना है। देखिए तो ये कैंसिल आउट कर देंगे बेटा, कितना हो जाएगा 2 = 6 + x, और ये कितना हो जाएगा बी डी, ठीक है। चलिए तो देखिए ओ सॉरी मैंने वैल्यू नहीं रखी यहाँ पे, बी डी की वैल्यू x है, ठीक है यहाँ पे आप बी डी वैल्यू x पुट कर दीजिए, तो 6 + x, ठीक है ना एक सेकेंड इसको हटा देता हूँ, ठीक है यहाँ पे, और ये x आप पुट कर दीजिए, ठीक है अपॉन में x क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बेटा कितना आ गया 2x = 6 + x। तो देखिए यहाँ से x की वैल्यू आ चुकी है, कितनी आ गई बेटा 6 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन क्लियर, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। आप बताइए कमेंट सेशन आपको कैसा लगा सेक्शन, और इसकी में एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसको मिलते रहेंगे, ठीक है। अभी इसको अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप बता सकते हैं, किसी कॉन्सेप्ट में अगर कोई प्रॉब्लम आती है हम उसको डिस्कस कर देंगे, ठीक है ओके थैंक यू।